हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय होम एंड नेचर व्लॉग। तो चलिए आज शुरू करते हैं पालक पनीर की रेसिपी। तो पूरा आप देखिएगा और रेसिपी बहुत हेल्दी होती है ये, और बना के ज़रूर हमारी विद से एक बार ट्राई करिएगा घर में। तो ये हमने पालक ली थी अच्छे से और सब कुछ, तो मिट्टी में हमने सीख लिया था हाथ से ही पालक थी। और इसके लिए मैंने लिया अदरक और ये लहसुन और दो प्याज मीडियम आकार के, उनको भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और इधर मसाले लिए हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला, नमक और मिर्च। और ये लिया है अमूल का जो है मक्खन। और ये है हाफ के जी हमारा पनीर। और इधर लिया सरसों का ऑयल, इसे हम हल्का फ्राई करेंगे, बहुत डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस पनीर का कच्चापन चला जाए बस इतना ही फ्राई करना है। और देखिए इधर तेल में डाल दिया है लहसुन जो कटे हुए थे, और लहसुन डालने के बाद में थोड़ा ब्राउन हो जाने देंगे। उसके बाद अदरक डाल देंगे, दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद प्याज जो हमने पीस के रखे हुए थे दो, वो हम डाल रहे हैं और उसमें ऐड कर दिया है प्याज मिक्सी में पिसा हुआ, बहुत बारीक और महीन पीसना है इसमें, क्योंकि पालक को बिल्कुल महीन पीसा था हमने। और मसाला इधर पक रहा है, तो इसमें सारे मसाले जो अभी हमने आपको दिखाए थे वो सारे मसाले हम ऐड कर दे रहे हैं। और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, तो जो भी मसाले अभी। और ये रही पालक, इसलिए ये देखिए मसाला ब्राउन हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देंगे पालक। तो पालक की ग्रेवी बनाने का दो तरीका है, या तो आप पहले से बॉयल करके पालक को पीसिए ठंडी करके, या आप कच्ची पालक को पीसिए और इस तरह से फिर पकाइए कढ़ाई में। तो हमने ये दूसरा वाला मेथड अपनाया है, मतलब कच्ची पालक को पीसा है उसके बाद में ये इसकी ग्रेवी बनाई है। तो देखिए ग्रेवी बन रही है, अच्छे से पका लेना है इसको, ताकि पालक कच्ची ना रह जाए, क्योंकि हमने इस पालक को बॉयल नहीं किया था, ऐसे ही पत्तियों को हमने पीसा था। तो देखिए अभी इसमें हमने बटर आधा डाल दिया है, आधा बटर अभी रखा हुआ है। तो देखिए फिर से एक बटर का टुकड़ा डाल दे रही हूँ, और बीच बीच में ऐसे बटर डाल डाल के मिक्स करना है, उसको पकाते रहना है। और देखिए अच्छे से ये बॉयल हो रही है, और जब बॉयल होने लगे तभी आपको जो पनीर कट करके इसके क्यूब्स रखे थे आपने फ्राई करके, वो डाल देने हैं। और वैसे ही मैंने किया है, और अब ढक दिया है और इसको अच्छे से पका लिया है, और ये बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं इसको प्लेट में। तो देखिए एकदम हेल्दी और आसान सी रेसिपी है पालक पनीर, तो ज़रूर बनाइए सर्दियों में, पालक हेल्दी होती है हेल्थ के लिए, तो इस तरह से बनाइए पालक, बहुत ईजी है। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ हमारा पूरा रेसिपी देखने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट और न्यू व्लॉग रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।